मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पंचकोश के विषय में। पंचकोश मानवीय अस्तित्व की पांच परतें हैं। इन्हीं पांच परतों में संपूर्ण विभूतियां, संपूर्ण रिद्धि सिद्धियां, अजस्र शक्ति और सामर्थ्य इस मानवीय अस्तित्व की इन्हीं पांच परतों में है। साथियों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पंचकोश के अंतर्गत अन्नमय कोश। अन्नमय कोश आत्मा का सबसे बाह्य आवरण है, बाह्य कोश है, जिसे भौतिक आवरण भी कहा जाता है। हम आज इसी भौतिक आवरण के विषय में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मानवीय अस्तित्व की ये पांच परतें यौगिक शरीर रचना योगा एनाटॉमी के अंतर्गत अन्नमय कोश प्रथम कोश है, जिसे हम फिजिकल बॉडी भी कहते हैं। यही फिजिकल बॉडी जिससे हम सारे सांसारिक क्रियाकलाप संपन्न करते हैं। अन्नमय कोश आत्मा के पांच कोशों में से प्रथम कोश है, इसी को अन्नमय कोश कहा गया है। अन्न का सात्विक अर्थ होता है पृथ्वी का रस अर्थात सार। आचार्य शंकर ने कहा है, देहो अन्नम भवन अन्नम यस्तु कोशा। अन्न के रस का परिणाम होने के कारण इसे अन्नमय कोश कहा गया है। यह अन्न से उत्पन्न होता है और उसके बिना यह नष्ट हो जाता है। आगे आचार्य शंकर ने कहा है कि त्वक चर्म मांस रुधिरास्थि पुरुष राशि, अर्थात यह अन्नमय कोश, यह त्वचा चर्म मांस रुधिर अस्थि और मल आदि के समूह से उत्पन्न हुआ है, इसलिए अन्नमय है। माता पिता के भुक्तान, भुक्तान मतलब खाया हुआ अन्न, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्र और श्रोणित का निर्माण होता है। अब ये शुक्र श्रोणित से उत्पन्न जो संतति है, वो संतति का शरीर को ही हम अन्नमय कोश कहते हैं। अर्थात हमारा ये बाह्य जो शरीर है, उस बाह्य शरीर ही अन्नमय है। उपनिषदों में कहा है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अर्थात ये सारे सृष्टि के भूत प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होती है। और इसी को आगे तैतृयोपनिषद के आनंदवल्ली, जिसमें पंच कोशों के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है, ऋषि आगे कहता है कि सा वा एषा पुरुषो अन्न रसमयः, वह पुरुष निश्चित ही उस अन्न के रस स्वरूप है। अर्थात हम इसे व्यक्तित्व का स्थूल स्तर कह सकते हैं, अन्नमय कोश को, जिसे हम फिजिकल बॉडी ग्रुप में देखते हैं, स्थूल आंखों से देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पंच महाभूतों से निर्मित हमारा यह स्थूल शरीर है और यही स्थूल स्वरूप जिसे हम अपने इस स्थूल नेत्रों से दृष्टिगत कर पाते हैं। यह आत्मा का बाह्य या जैव दैहिक आवरण है। बाह्य आवरण इसलिए क्योंकि आत्मा के अंतर पक्ष से ये सबसे बाहर होता है, इसलिए इसे बाह्य आवरण कहा गया है। जैव दैहिक इसलिए कि ये पांच जैव बलों से उत्पन्न होता है, जिसे आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी के रूप में अभिहित करते हैं। और इसी अन्नमय कोश के कारण ही अजन्मा अजर अमर आत्मा भी जन्म जरादि से युक्त प्रतीत होता है। उसे लगता है कि मेरा जीवन और इस जीवन के बाद फिर दूसरा जीवन, और इस तरह से चारों अवस्थाओं को पार करता हुआ व्यक्ति जीवन क्रम को आगे संपन्न करता रहता है। इसका कारण केवल एक ही है, वो है अन्नमय कोश। साथियों अब अन्नमय कोश की साधना जो विशेष तौर से हमारे उपनिषदों में चर्चा की गई है, उसके साथ साथ गायत्री मंजरी, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसका विस्तार से चर्चा गायत्री महाविज्ञान भाग 3 में किया है। साथियों गायत्री महाविज्ञान, गायत्री महाविद्या का ये विश्वकोश है, और इस अद्भुत विश्वकोश को आप हम सबको अध्ययन करना चाहिए। उसमें कहा गया है, आसने नोपवासीन तत्व शुद्धया तपस्यया चैवा अन्नमय कोशस्य संशुद्धिर्भिजायते, अर्थात अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए शुद्ध आहार उपवास आसन तत्व शुद्धि और तपश्चर्या, ये महत्वपूर्ण तकनीक है अन्नमय कोश को
शुद्ध करने का इसमें से सबसे पहला है शुद्ध भोजन, जिसे हम संतुलित आहार भी कहते हैं। संतुलित आहार जिसके परिणाम स्वरूप रस, रक्त और मांस में अस्थि, मज्जा और शुक्र का निर्माण क्रमशः होता चला जाता है। ये हमारे सप्त धातुओं में से पहले धातु का निर्माण करता है, जो भोजन के द्वारा होता है। कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न और मन का और मन से शरीर का सीधा संबंध है। भगवान कृष्ण गीता में कहा है कि अन्न का तीन प्रभाव होता है, तीन गतियां होती है। स्थूल से हमारा, उसके स्थूल पक्ष से हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म से हमारा मन और उसके कारण पक्ष से संस्कारों का निर्माण होता है। और अन्नमय कोष साधना की दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है उपवास, जिसे आप हम सब फास्टिंग कहते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, विषया विनिर्वर्तन्ते नीराहारस्य देहिना, अर्थात उपवास से विषय विकारों की निवृत्ति होती है। जब हम खाली पेट रहते हैं तो हमारे मन में किसी प्रकार की काम वासनाएं, किसी प्रकार के अतृप्त विचार, ये सारे चीज तिरोहित हो जाती है। रोगियों के लिए इस उपवास की प्रक्रिया को तो जीवन मूली कहा है, और चिकित्सा शास्त्र तो रोगियों के लिए से दैवी उपदेश कहते हैं कि ये उपवास, जब भी आप बीमार पड़ो अर्थात बीमारी को भूखा मारो। अगर खाली पेट हैं तो आपके अंदर किसी प्रकार के सर्दी जुकाम से लेकर के यदि फीवर, जिसे हम लोग ज्वर कहते हैं, अगर ये आपके पास आए तो आप अन्न का त्याग करें। आप सामान्य सृष्टि में अन्य प्राणियों को देखिए, शरीर जब रोगग्रस्त होता है तो अन्न का त्याग कर देता है और शरीर स्वस्थ होता हुआ चला जाता है। तो उपवास की प्रक्रिया अन्नमय कोष साधना के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर जो है आसन एवं शारीरिक व्यायाम। हम आसन, कुछ ऐसे आसनों का प्रयोग कर सकते हैं जिसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बना रह सकता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण आसन, जिसमें सर्वांगासन, बद्ध पद्मासन, पादहस्तासन, उत्काटासन और पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, सर्पासन, धनुरासन, कुछ आसनों का क्रम दिया गया है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य तो इसके लिए प्रज्ञा योग व्यायाम का एक सुंदर सा एक पैकेज, एक क्रम बना रखा है। यदि आप उसे कर सकें तो अति महत्वपूर्ण है। साथियों, एक महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, इस अन्नमय कोष की साधना के लिए हमारे शरीर का जो आधार है वे हमारी स्पाइनल कार्ड है। आप इतना ही योगाभ्यास कीजिए जिससे हमारा स्पाइन दसों दिशाओं में मूवमेंट कर सके। आसन चाहे कोई भी हो, आपका शरीर दसों दिशाओं में मूवमेंट करता रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और लंबे समय तक शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। चौथा नंबर है पंच तत्वों की शुद्धि। ये पांच तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल और वे पृथ्वी। यही पांच ऐसे जैव बल है जिसके माध्यम से हमारा ये अन्नमय कोष का निर्माण होता है, और इसी की कमी ज्यादा से, कमी बेसी से हमारा अन्नमय कोष कमजोर हो जाता है या तो फिर बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसकी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ जाती है। तो पंच तत्वों की साधना, उसके लिए हमने अलग से पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, कृपया आप उसका अवलोकन जरूर करें। पांचवा नंबर है तपश्चर्या। तप अर्थात परिस्थितियों से तालमेल बिठाना। आप हम सब जिस परिस्थिति परिवेश में हैं, वहां जो कष्ट कठिनाइयां सहज और सहर्ष क्रम में जो मिले उसे सहज स्वीकार कर लेना, यही तपस्या है। तपस्या अर्थात एडजस्टमेंट। आप परिस्थितियों से अपने आप को मिलाइए, परिस्थितियों से अपने आप को लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य पैदा कीजिए। केवल माला जपना या अन्य कर्म ही तपस्या नहीं है। तप किसी भी अवस्था में है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास या बाल्यावस्था, किसी भी अवस्था में आप हैं, उस अवस्था में जो आपको कष्ट कठिनाइयां मिले, उस कठिन कठिनाइयों को सहर स्वीकार करके उसे जीने का प्रयास करना और अच्छा और बेहतर ढंग से जीना, ये तपश्चर्या है। अगर हम ऐसे करते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण से, तो हमारा यह स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है। और इसके बाद छठा नंबर जो है सूर्य नमस्कार की विधि। सूर्य नमस्कार अद्भुत तकनीक है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रदान करने के लिए।
और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये 12 आसनों का सूर्य नमस्कार जो आप देख पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, हमारी मानसिक और अन्य प्रकार की स्वास्थ्य भी, जिसे हम लोग समग्र स्वास्थ्य कहते हैं, इससे प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य सविता संपूर्ण सृष्टि चराचर जगत के गाय ऊर्जा के आदि स्रोत है। साथियों, इस प्रकार से सूर्य नमस्कार की विधि को श्रद्धा भाव और बड़ी भावनाओं से भावित होकर किया जाए तो हमारा स्थूल शरीर निश्चित रूप से स्वस्थ और समुन्नत बनता हुआ चला जाता है। अन्नमय कोष की फलश्रुतियां। सबसे पहले इसकी फलश्रुति अर्थात बेनिफिट्स, लाभ कह सकते हैं, स्वास्थ्य, शरीर स्वस्थ बना रहता है। आयुर्वेद में कहा गया है जीवेम सर्धा शतम, या पंच महाभूत से बना हुआ शरीर 100 साल तक स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है। शरीर की नस नाड़ियों में बिजली जैसी तीव्र शक्ति और सामर्थ्य कौंधते रहते हैं। दूसरा है दृढ़ता, जैसे आसन इसकी साधना की पद्धति है तो साधना का परिणाम, आसन का परिणाम आसनेन भवेत दृढ़म कहा गया है। आसन से दृढ़ता आती है, मजबूती आती है, शरीर इतना मजबूत होता है किसी भी परिस्थितियों परिस्थितियों से भी अपने आप को टकरा पाने में सामर्थ्य होता है। सृजनशीलता, क्रिएटिविटी, इसी अन्नमय कोष के परिणाम स्वरूप क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, कुछ नया करने की जो उमंग और उत्साह जो होता है वे अन्नमय कोष का ही परिणाम है। वाक सिद्धि, वाणी की सिद्धि है, वाणी सिद्ध हो जाता है इससे। अगर अन्न शुद्ध हो, सात्विक हो और श्रम साध्य अन्न हो जाए तो हमारी वाणी, स्थूल वाणी जो पूर्णतः सिद्ध होती है। नाड़ी एवं उपत्तिकाओं का शुद्धिकरण, मित्रों इससे हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं ये अन्न के शुद्ध होने से ही इस नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है, और यौगिक साधना के लिए और अन्न कोषों की साधना के लिए ये पृष्ठभूमि बन जाती है, ताकि हम अन्नमय कोष के बाद प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोष की साधना के लिए आगे गति कर पाते हैं। हमारी उपत्तिकाएं दिव्य शक्ति और सामर्थ्य अर्थात कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने वाला एक रिसीवर के रूप में है, जो हमारे शरीर में, जो शरीर के जो ऊपरी भाग है जिसे हम त्वचा या स्किन वाला पक्ष बोलते, वहाँ गोल गोल एक क्वाइल की तरह बनी हुई नस नाड़ियाँ हैं जिसे हम उपत्तिकाओं के नाम से जानते हैं। इसका शुद्धिकरण हमारे उपवास के द्वारा और अन्य जो यौगिक आहार जो हमने बताया है, उन आहार को यदि व्यक्ति नियमित रूप से लेता रहे तो अन्नमय कोष की शुद्धि होती है और उसका लाभ नाड़ी एवं उपत्तिकाओं का शुद्धिकरण होता है। साथियों, हमने चर्चा किया है अन्नमय कोष, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि अन्नमय कोष की साधना मानवीय व्यक्तित्व की इन पांचों परतों में से प्रथम परत को स्वस्थ और समुन्नत बनाए रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। मित्रों, अच्छे लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करें, और योगिक साधना और भारत भूमि की इस योग विद्या को जन जन की विद्या बनाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार।